नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चौबे आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 2022 मई जून के मंथ में वह कौन सी राशियाँ हैं जिनके व्यवहार का बहुत अच्छा योग है। देखिएगा, हम जो आपको जानकारी देंगे एक चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है, और गोचर के अनुसार देंगे। आप अगर सटीक जानकारी चाहो कि आपका विवाह कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, कैसे इंसान से विवाह होगा, तब आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हो और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर परेशानियां होंगी तो हम आपको उपाय बता देंगे कि आप ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप पता चले डिसीजन स्टार्टिंग में गलत ले लो जल्दीबाजी के चक्कर में, तो आपको फिर जीवन में पछताना भी पड़ता है। कई लोग होते हैं ना कि बिना कुंडली देखवाए शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको जीवन में पछताना पड़ जाता है। आपको डेली पिटना होता है, आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपके रहते भी दूसरा व्यक्ति दूसरे से संपर्क रख रहा है या कॉन्टैक्ट में है, तो जाहिर सी बात हो आपको कितना दुख होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप सटीक जानकारी चाहें तब आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल के लिए चार्ज लगता है, लेकिन सटीक आपको जानकारी दी जाती है। पर्सनल अगर संपर्क करना आप चाहें हमसे तो हमारा नंबर आपके सामने है या डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं और शुल्क देने के लायक हैं तभी आप संपर्क करें, अन्यथा निःशुल्क की आप यहाँ पर हमसे इच्छा बिल्कुल भी ना करें पर्सनल में, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं वह कौन सी राशियाँ हैं, कब बहुत व्यवहार का प्रबल योग बन रहा है, आपकी शादी होगी गोचर के अनुसार, ठीक है। और सटीक के लिए हमने पुनः कहा है पर्सनल संपर्क कीजिए। गोचर के लिए सटीक में क्या होता है, हम आपकी कुंडली देखेंगे, कुंडली के अनुसार बताएंगे कौन सी महादशा में, किसकी अंतरदशा में, किसकी प्रत्यंतरदशा में आपकी शादी होगी। ऐसा तो नहीं कि आपके ग्रह पीड़ित स्थिति में हों, आपकी कुंडली में सप्तमी से आपके पीड़ित हों, तो जाहिर सी बात है आपके विवाह में विलंब करवाएंगे। और अगर आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो रही है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके मतलब कोई आपके लव में है जिससे आप लव करते हैं, लव पार्टनर है, कहीं लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं, आप उनसे विवाह करें या ना करें, अगर ये भी जानकारी चाहो तो वो भी बता सकते हैं आपको, वो सटीक जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको कोई भी सवाल हो कुंडली से संबंधित, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, शिक्षा, कैरियर और जॉब, बिजनेस, या विदेश जाना चाहो या सेहत के लिए, तो आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2022 में मई जून में बहुत अच्छा योग बन रहा है इन पांच राशियों का, शादी का, और इनकी अगर कुंडली में अच्छी स्थिति है तो आप इनकी शादी होकर रहेगी। और ये अगर सामर्थ्यवान है, मतलब कि इनके घर वाले प्रयासरत हैं या ये लोग प्रयासरत हैं, तो आपकी शादी होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर बात है, ठीक है। अगर हम बात करें पहली राशि की, वृषभ राशि की, बहुत अच्छा योग है गोचर के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो रहे हैं अपनी मीन राशि में। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जाहिर सी बात है आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो रहे हैं, कि नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव विवाह का होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके विवाह का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, वृषभ राशि के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, ठीक है। सेकेंड राशि की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड राशि आपकी बुद्धि की राशि है मिथुन राशि का भी बहुत अच्छा योग है 2022 में विवाह का। थर्ड राशि की अगर हम बात करें, पुनः कहेंगे ये गोचर के अनुसार है, ठीक है। पर्सनल जानकारी चाहो, सटीक जानकारी, महादशांतर से प्रत्यंतर से आपको जान के कि आपको विवाह कब करना चाहिए और कब आपके लिए सही रहेगा, कब आपका योग बन रहा है, तो आप पर्सनल हमसे संपर्क कर सकते हो। तीसरी राशि बुद्ध की ही राशि है कन्या राशि, कन्या राशि का भी बहुत अच्छा समय है विवाह का, मई और जून में आपकी भी विवाह का बहुत प्रबल योग है, आपकी विवाह हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं चौथी राशि कौन सी है, तुला राशि का भी बहुत अच्छा समय है, तुला राशि वालों के लिए भी खुशखबरी वाली बात है, बशर्ते आपके घर वाले प्रयासरत होना चाहिए, आप प्रयासरत होना चाहिए और आप अगर लायक हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी विवाह को लेकर, आपका शादी होगा, ठीक है। फाइनल बात है आपका तय हो जाएगा या आपकी शादी इस टाइम पर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पांचवीं राशि कौन सी है, पांचवीं राशि मकर राशि है, मकर राशि का भी बहुत अच्छा समय है 2022 में, जो हमने आपको टाइम बताया है मई और जून के समय में बहुत अच्छा योग है, इनमें आपकी शादी होके रहेगी अगर आप मतलब लायक व्यक्ति हैं और आपके घर वाले प्रयासरत हैं या आप प्रयासरत हैं या फिर आपकी अभी कहीं बात चल रही है तो आपकी शादी हो जाएगी। देखिएगा, जिन लोगों के विवाह में अभी तक विलम्ब हुआ है वो परेशान मत होइए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है और आप अभी तक बचे हैं। आप कहीं गलत जगह फंस जाते तो आपकी लाइफ बर्बाद होती या नहीं होती, आप आए दिन रोते, आप रोते तो आपकी फैमिली को भी दुख होता, तो आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली दुखी रहे, कभी नहीं चाहेंगे ना,
ना आप अपने आप को दुखी चाहेंगे। तो आप अभी अपने घर में हो, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, परेशान मत होइए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा करवाने वाले हैं और आपकी अच्छी जगह पे व्यवहार होंगे। इस चीज़ से लेकर आप निश्चिंत रहिए। देखिए व्यवहार जिसके विलम्ब होते हैं उनके कारण हमने आपको पहले इनके पहले जो वीडियो बनाई है उसमें हमने बता रखे हैं, उन वीडियो में आप देख सकते हैं व्यवहार में विलम्ब क्यों होता है, कारण क्या है, क्या हुआ है। तो परेशान मत होइए, ईश्वर आपके लिए सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।